जानें इस तस्वीर के बारे में और देखें इसको, इसे क्या कहा जाता है, किन किन ज़ुबानों में क्या कहते हैं और कहां कहां इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको जानिए। उसके जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा देख रहे हैं, तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन भी दबाएं ताकि तमाम वीडियो आपको मिलती रहें और आप इससे फ़ायदा उठाएँ। तो जाने इसको अरबी में कहते हैं हलीलच असफर, हिंदी में बड़ी हड़, जर्द हड़, और मादरी ज़ुबान में हलीला जर्द, और कई दूसरी ज़ुबानों में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दरख्त हलीला का पूरा फल है जिसमें गुठली पड़ी होती है। मिजाज दर्जा बल में सर्द और दर्जा दोयम में खुश्क है। मुकव्विय दिमाग, काबिज, मुकव्विय चश्म, मुकव्विय मैदा, मुसहिल सफरा। हलीला को अक्सर अमराज दिमागी में मुख्तलिफ तरतीब से इस्तेमाल कराते हैं। काबिज और मुकव्विय चश्म होने की वजह से शहद के साथ घिस कर आँखों में लगाते हैं। ज़ोफ़ बिसारत, दमा, ढलका और आँखों की सुर्खी को दूर करने के लिए नहायत मुफीद है। मुकव्विय मैदा होने की वजह से ज़ोफ़ मैदा में इस्तेमाल करते हैं और मुसहिल सफरा होने की वजह से बतौर मुसहिल सफरा सोदाविया सफराविया में देते हैं, लेकिन वाज़े रहे कि इसका खिसांदा इसके जोशांदे और सफूफ से ज़्यादा कवि होता है। इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है जो तकवीत दिमाग और मैदा और रफा कब्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मकदार खुराक 5 मासे से 7 मासे तक हुआ करती है। मुरब्बा हलीला 1 अदद। मशहूर मरकबात इत्रिफल कसनीजी और इत्रिफल ज़मानी और दूसरे त्रिफले वगैरह हैं। सफूफ़ हलीला वगैरह भी इसकी हैं। और दरियाफ्त ये हुआ है ख़ास तजर्बे से कि इसके अंदर टैनिन 40% पाई जाती है और कई जोहर दूसरे पाए जाते हैं। चूँकि इसमें टैनिन पाया जाता है इसलिए इसको मुकामी तौर पर बवासीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस सिलसिले में मुफीदी पाया गया है। चुनाचे इसका एक मरहम भी बनाया जाता है जिसकी तरतीब यह है कि मोम को रोगन गुल में पिघलाएँ और इसमें हलीले का सफूफ दोगुनी मिकदार में अच्छी तरह मिला लें और इस्तेमाल करें। मरहम तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इजाज़त दें। फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी वीडियो के साथ। आदाब। कभी ना जी बैठिए, सुन के देखो इसको कैसी